अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बच्चे अपने घरों में खैरियत से होंगे और जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। जी बच्चे, चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया है तो मैं आपको बच्चे आज अभी टेस्ट फॉरवर्ड करती हूँ, आप वो सॉर्ट आउट करें ठीक है, और उसको रजिस्टर पे हल करें ताकि मैं आपका ये चेक कर सकूँ कि आप लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया है। ठीक है बच्चे, चैप्टर नंबर 7 में देखें, पेपर डी हमारा चैप्टर नंबर 7 है। इसमें द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में देखें, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी मीन क्या है। मतलब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी मीन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और डिकेइंग हैवी एलिमेंट विद जी ग्रेटर दैन 83 इनटू अदर एलिमेंट बाय इमिटिंग अल्फा रे और बीटा रे अलोंग विद गामा रे इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम चेंज करते हैं, डिके करते हैं हैवी एलिमेंट को, जिसमें चार्ज नंबर जी की वैल्यू 83 से ग्रेटर हो, दूसरे एलिमेंट्स में जिनको हम डॉटर एलिमेंट्स का नाम देंगे, और जिनको हम चेंज करते हैं वो पेरेंट्स एलिमेंट होते हैं, और चेंज होकर हमारे पास एक जो नया एलिमेंट मिल जाता है हमें, उसको हम डॉटर एलिमेंट का नाम देंगे, और ये इमिट करेंगे अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज एंड सो ऑन। इन इस प्रोसेस को हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम देंगे। ठीक है बच्चे, द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के फर्स्ट लॉ इसका ये, द एटम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट, अभी मैंने आपको बताया जो स्टार्ट में हम एलिमेंट लेंगे जिसको ने डिके होना है, जिसमें चेंज आएगा उसको हम कहेंगे पेरेंट एलिमेंट, आर कॉन्स्टेंटली डिकेइंग इनटू एटम ऑफ न्यू एलिमेंट बाय इमिटिंग अल्फा और बीटा पार्टिकल। द डिके ऑफ एन एटम इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड वी हैव नो कंट्रोल इन इट। तो यहाँ पे जो एलिमेंट एटम है रेडियोएक्टिव एलिमेंट का, जो पेरेंट एलिमेंट है वो कॉन्स्टेंटली डिके होगा नए एलिमेंट में इमिट करके अल्फा और बीटा पार्टिकल को। जो डिके होता है एटम को वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, खुद ब खुद होता रहता है और हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। सेकंड लॉ है द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एटम और पेरेंट एलिमेंट इनटू न्यू एटम और डॉटर एलिमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम। ये देखिए, ये यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ डिके इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेरेंट एटम, इक्वेशन 1। तो जो रेट ऑफ डिके है रेडियोएक्टिव एटम का या पेरेंट एलिमेंट का नए एटम में या डॉटर एलिमेंट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम, ठीक है, प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। दिस इज इक्वेशन 1, रेट ऑफ डिके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेरेंट एटम। सपोज नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम आर एन नोट एट टी 0 एंड दिस नंबर फॉल टू एन आफ्टर टी। If d an atom decay in time dt, then rate of decay is equal to r is equal to minus dn by dt. dn वो है जो एटम डिके हुए हैं इन टाइम dt में, तो रेट ऑफ डिके हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा r इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी के इक्वल, ठीक है। डी एन नंबर ऑफ एटम डिके इन टाइम डी टी इज द टाइम जिसमें वो डिके हुए हैं। क्वेश्चन 1 बिकम्स, हम ऐसे कर सकते हैं कि माइनस डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो ये हम इक्वल डी एन बाई टी टी माइनस लैम्डा एन। यहाँ पे देखिए लैम्डा हमारे पास कॉन्स्टेंट है, इज नोन एज डिके कॉन्स्टेंट और ग्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। जस्ट आप इसको डिके कॉन्स्टेंट का नाम दें, लैम्डा इज़ अ डिके कॉन्स्टेंट। यहाँ पे बच्चे डी एन बाई डी टी को इक्वल करेंगे हम और यहाँ पे लैम्डा एन करेंगे, ठीक है। तो ये लैम्डा एन के इक्वल हो जाता है, इधर से फिर हम लैम्डा एन को इधर करेंगे तो ये लैम्डा एन माइनस डी एन बाई डी टी माइनस लैम्डा एन, ठीक है। तो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज इक्वेशन 2, ये हमारे पास है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी एन बाई एन इधर ले जाएँ और डी टी इधर ले जाएँ, तो डी एन बाई एन बाई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी, डी टी इधर गया, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है डी एन बाई एन और लैम्डा डी टी, ये इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इन दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में देख लें कि डी एन बाई डी टी का हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ ई एन, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम लॉग ऑफ एन के को माइनस लैम्डा टी प्लस सी। इनिशियली व्हेन टी 0 एन इज इक्वल टू एन नॉट, देन फ्रॉम इक्वेशन 3 लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू सी एन नॉट।
पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 3। अब हम ये सी की वैल्यू ये वाली हम यहाँ पे पुट करेंगे, लॉग ऑफ एन माइनस ये प्लस इधर आ जाएगा, माइनस में ये हमारे पास ऐसे ही है। तो लॉग ऑफ एन बाई एन हम माइनस में है, एन बाई एन नोट हम कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। तो लॉग को हमने ख़त्म किया इधर, तो ये आ जाएगा एन बाई एन नोट ई माइनस लैम्डा टी। ये सेक्शन आएगी एन इज इक्वल टू एन नोट ई माइनस लैम्डा टी। ठीक है, हमारे पास दिस इज इक्वेशन 4, ये इक्वेशन आ जाती है। तो दिस इक्वेशंस गिव नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट एट टाइम टी। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4, अब इसको फिर हम इक्वेशन 4 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखें डी एन बाई टी डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन नोट ई माइनस लैम्डा टी। अभी देखिए डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस, ख़त्म आपका ये इधर आ जाएगा माइनस टू लैम्डा एन नोट ई माइनस, दिस इज इक्वेशन 5। अब हमारे पास इक्वेशन 6 कैसे सेट करेंगे, आर इज इक्वल टू आर नोट ई माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे देखिए वी आर आर इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी, लैम्डा एन नोट इज इक्वल टू आर नोट इनिशियल रेट ऑफ डिके एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। ठीक है एप्सिलॉन, अब यहाँ पे हमने पावर में इसको किया माइनस लैम्डा टी, द टाइम हाफ लाइफ क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास आर बच्चे इसके इक्वल हो जाएगा, सारे के इक्वल आर की वैल्यू आ गई, और जबकि आर नोट लैम्डा एन नोट के इक्वल हो गई, हमने यहाँ पुट किया था, तो हमारे पास इक्वेशन 6 आ जाती है। हाफ लाइफ में देखिए द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव एटम एंड नोट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स, डिक्रीज हो जाए हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल नंबर और रेट ऑफ डिके आर रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट, जिसमें कि वो हाफ रिड्यूस हो जाए हमारे पास, तो उसको हम कहेंगे कि हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट वो टाइम इट इज़ लिमिटेड बाय टी वी हैव एन इज इक्वल टू एन नोट ई माइनस लैम्डा टी। पुटिंग यहाँ पे पुट करेंगे एन इज इक्वल टू एन नोट बाय टू, क्योंकि हाफ ला टाइम है, टी इज इक्वल टू टी पुट करेंगे, तो दिस इक्वेशन इज दैट एन नोट बाय टू एन नोट ई माइनस लैम्डा टी, ये हमारे पास हाफ आ जाएगा, एन नोट से एन नोट कैंसिल, हमारे पास ये एन नोट से एन कैंसिल हो जाता है, वन बाई टू इधर है ई माइनस लैम्डा टी, ये हमारे पास ये टू इधर, तो टू ई इसको रिवर्स कर लेंगे हम। ठीक है एप्सिलॉन, ये हमारे ई लैम्डा टी इज इक्वल टू टू के, टेकिंग एंटी लॉग लॉग बोथ ऑफ बोथ साइड्स, लॉग लेंगे इधर भी हमने लॉग लिया इधर भी हमने लॉग लिया, तो ये देखिए लैम्डा टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई, ये हमारे पास आ जाता है। तो एस लॉग ऑफ ई की वैल्यू ये है हमारे पास, ये हम पुट करेंगे इधर लैम्डा टी, ये यहाँ पे हमने पुट की लैम्डा टी इसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब हमने लॉग ऑफ ए की वैल्यू पुट करने के बाद इन इसको हमने सॉर्ट आउट किया, लैम्डा टी की वैल्यू आएगी 0.693। सो टी इज इक्वल टू कि यहीं पे रहने दें बाय लैम्डा, इधर डिवाइड करें तो दिस इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा। ठीक है, ये हाफ लाइफ हमारे पास आ जाती है। मेन लाइफ और एवरेज लाइफ में देखें, इसको हम ऐसे शो करेंगे एवरेज लाइफ को, मीन लाइफ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आल रेडियोएक्टिव एटम टू द टोटल नंबर ऑफ एटम इट इज जनरेटेड बाय टी, इसको हम ऐसे करेंगे एवरेज लाइफ को। ठीक है, ठीक है, एवरेज हम इसका किए लेंगे, सम ऑफ टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल एटम, इफ टी इज एवरेज टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वन एटम दैन टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डी एन एटम इज इक्वल टू टी डी एन, टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आल एटम इज इक्वल टू टी जीरो टू टू इन्फिनिटी टी डी एन हम लेंगे, तो बट डी एन बाई डी टी आप देखिए बच्चे माइनस लैमडा एन के इक्वल है, मैंने आपको बताया था माइनस लैमडा एन के इक्वल है, ये स्टार्ट में ये देखिए ये इक्वेशन मैंने आपको बताया थी डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैमडा एन, ये हम पुट डैन डी एन इज इक्वल टू फिर क्या होगा लैम्डा एन डी टी, ये इक्वेशन टू हमारे पास आ जाती है। ठीक है बच्चे, इक्वेशन टू के बाद देखिए एन इज इक्वल टू एन नॉट की माइनस लैम्डा टी, तो डैन डी एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी डी टी, पुट वैल्यू ऑफ डी एन इक्वेशन टू, अब इक्वेशन टू में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो दिस इज द इक्वेशन माइनस लैम्डा एन नॉट टी जीरो टू टी इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ जाती है। अब इसको सॉर्ट आउट करें बच्चे, माइनस लैम्डा एन नोट को कॉमन लिया, जीरो टू इन्फिनिटी पुट किया, जीरो माइनस जीरो प्लस वन बाई लैम्डा, इसके फिर जीरो टू इन्फिनिटी पुट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। एन नोट हमने कॉमन लिया, जीरो माइनस वन बाई लैम्डा, इधर हमारे पास आएगा माइनस एन नोट, माइनस माइनस ख़त्म,
1 by lambda. Time of existence of all atoms is equal to minus n naught by lambda. ये हमारे पास है द टोटल एटम डिकेइंग टी जीरो टू इन्फिनिटी डी एन इज इक्वल टू एन माइनस एन नोट के इक्वल आ जाता है. पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन इक्वेशन वन, इन टू वैल्यूज़ को बच्चे हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे. सो टी इज इक्वल टू माइनस एन नोट बाई लैम्डा माइनस एन नोट इज इक्वल टू एन नोट से एन नोट माइनस कैंसिल वन बाई लैम्डा है, ये हमारे पास प्लस में आएगा. दिस इज इक्वल टू दैट. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन वन है, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी. यहाँ पे हमने पुट किए हैं इसको तो हमारे पास आंसर ये आया. ये हमारे पास है एवरेज लाइफ. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि शो दैट एवरेज लाइफ इज़ ग्रेटर दैन हाफ लाइफ. तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू दैट, ये अभी हमने प्रूव किया. ये हाफ लाइफ का फार्मूला है बच्चे, ये हमारे पास हाफ लाइफ की है हमने क्योंकि ये हाफ लाइफ का फार्मूला है. और ये हमारे पास मीन लाइफ का फार्मूला जो हमने ये वाला ड्राइव किया है. तो ये पुट करें तो ये इसके इक्वल आ जाता है वन बाई लैम्डा किसके इक्वल एवरेज के. तो ये देखें 0.693 टी, तो इसका मतलब है टी ग्रेटर दैन टी. ये वाली हम वैल्यू पुट करेंगे तो टी के इक्वल हो गई. ठीक है, तो चेन डिस इंटीग्रेशन ऑफ रेडिएक्टिव एलिमेंट्स सपोज एन एलिमेंट ऑफ डिके कॉन्स्टेंट लैम्डा वन ट्रांसफॉर्म इंटू एन एलिमेंट ऑफ डिके डिके कॉन्स्टेंट लैम्डा टू. लेट एन नो एन वन बी द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट माइनस वन एट टाइम टी जीरो एंड लेट दिस नंबर फॉल टू एन वन आफ्टर टाइम टी देन डी एन वन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा वन एन वन. सॉल्विंग वी गेट एन वन इज इक्वल टू एन नोट वन. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब यहाँ पर देखिए एट टी जीरो द नंबर ऑफ एटम ऑफ डॉटर और एलिमेंट माइनस टू इज जीरो देन द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट टू राइज फ्रॉम जीरो टू एंड टू इन टाइम टी. एज द टाइम ऑफ एलिमेंट माइनस वन ट्रांसफर्ड इन टू एटम ऑफ एलिमेंट टू एट द रेट ऑफ लैम्डा वन एन वन देन नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट माइनस टू इंक्रीजेज एट द रेट लैम्डा वन एन वन. एज एलिमेंट माइनस टू इज अनस्टेबल देन इट्स एटम आर ट्रांसफॉर्म्ड इन टू एटम ऑफ एलिमेंट माइनस थ्री एट द रेट लैम्डा टू एन टू देन नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट माइनस टू डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ लैम्डा टू एन टू. नेट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट टू इज इक्वल टू दैट. ये हमारे पास आ जाता है डी एन टू बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा वन एन वन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टू एन टू. अब देखें बच्चे पुट वैल्यू ऑफ एन वन फ्रॉम इक्वेशन वन. एन वन की वैल्यू हमने इक्वेशन वन से पुट की, इसमें ये हमारे पास आ जाएगा डी एन टू बाई डी टी. हमने इसकी वैल्यू पुट की है एन वन की वैल्यू ये एन. ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है डी एन टू बाई डी टी. ये हमारे पास प्लस हो जाएगा इधर, ये इक्वेशन हमारे पास ये इधर. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड्स को बाय ई डायरेक्ट लैम्डा टू टी से. हमने मल्टीप्लाई किया इधर भी और इधर भी, यहाँ पे दोनों साइड पे. तो ये हमारे पास इक्वेशन ये एन टू वाली इधर आ जाती है. तो ये हमारे पास लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन टी में हम इसको कर लेंगे. ठीक है, इसको हमने अब हमने ऐसे सेट किया है. तो अब देखेंगे डी टी डी बाई डी टी, ये हमने ब्रैकेट में इसकी वैल्यू ली है और यहाँ पे आ जाती है. अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स को. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट ये इक्वेशन हमारे पास आ गई. ठीक है, और ये इक्वेशन देखिए इसको सेट कर लिया हमने ऐसे जाती है. वैन टी ज़ीरो एन नोट ज़ीरो ये हम पुट करें तो हमारे पास ए की वैल्यू ही आ जाती है. तो ये आप इसमें पुट करें इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे एन टू हमारे पास आएगा इस इक्वेशन के इक्वल. सो एन टू इज इक्वल टू दैट, दिस इज इक्वेशन टू. तो ये आपका यहाँ तक ये वाला हो जाता है. तो नेक्स्ट आप देखेंगे इसी से रिलेटेड आपका चल रहा है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं. ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम. इफ़ पेरेंट एलिमेंट इज लॉन्ग लिव्ड देन डॉटर एलिमेंट द नंबर ऑफ पेरेंट एटम नियरली रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम. देन एवरेज लाइफ ऑफ पेरेंट एलिमेंट ग्रेटर दैन एवरेज लाइफ ऑफ डॉटर एलिमेंट. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर पहले पेरेंट्स एलिमेंट लॉन्ग लाइव हों डॉटर एलिमेंट के मुकाबले में, तो जो नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट है वो कॉन्स्टेंट रहेंगे फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए. इसको हम ट्रांजिएंट एलिमेंट का नाम देंगे. इसको हम ऐसे शो करते हैं टी वन इन्हें ग्रेटर है टी टू से. ये है एवरेज लाइफ ऑफ पेरेंट एलिमेंट एंड दिस इक्वेशन शोज एवरेज लाइफ ऑफ डॉटर एलिमेंट. तो वन बाई लैम्डा वन ग्रेटर है वन बाई लैम्डा टू से. सो लैम्डा टू ग्रेटर दैन लैम्डा वन. नाउ ई माइनस लैम्डा टू टी बिकम्स निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू ई माइनस लैम्डा वन टी आफ्टर सम टाइम
देन इक्वेशन टू बिकम्स, हमारे पास इक्वेशन टू इस तरह से हो जाती है एंड टू इज इक्वल टू दिस इज इक्वेशन टू, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी एंड जी हमारे पास एन वन के इक्वल है, सो एन वन इधर पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो ये एन टू बाय एन वन इज इक्वल टू लैम्डा वन बाय लैम्डा टू माइनस वन, दिस इज इक्वेशन थ्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए परमानेंट और परमानेंट इक्विलिब्रियम को कैसे हम शो करेंगे, इफ पेरेंट एलिमेंट इज़ वेरी लॉन्ग लाइफ देन डॉटर एलिमेंट द नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट नियरली रिमेंस कॉन्स्टेंट फॉर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड परमानेंट इक्विलिब्रियम। जब यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए रहेंगे तो ये हमारे पास ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम होगा, जब ये लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे तो फिर ये हम उसको कहेंगे परमानेंट इक्विलिब्रियम। देन एवरेज लाइफ ऑफ पेरेंट एलिमेंट टी वन ग्रेटर वेरी वेरी ग्रेटर देन एवरेज लाइफ ऑफ डॉटर एलिमेंट्स, तो ये देखिए वन बाय लैम्डा वन वेरी वेरी ग्रेटर देन वन बाय लैम्डा टू, सो लैम्डा टू ग्रेटर देन लैम्डा वन, लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन नियरली इक्वल टू लैम्डा टू, दस इक्वेशन थ्री बिकम्स एन टू बाय एन वन इज इक्वल टू लैम्डा वन बाय लैम्डा टू, सो ये हमारे पास आएगी इक्वेशन लैम्डा वन एन वन इज इक्वल टू लैम्डा टू एन टू, सो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक इसको आप कंप्लीट करें, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको अल्फा डीके के बारे में डिटेल से बताऊँगी। आज के लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने ये टॉपिक यहाँ से हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 7 नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, हमने किया है नेचुरल रेडियोएक्टिविटी को डिफाइन, लॉस ऑफ रेडियोएक्टिविटी के हमने किए हैं, ठीक है, और हमने हाफ लाइफ को डिटेल से किया है, इसकी इक्वेशन ड्राइव किया है, फिर हमने मीन लाइफ और एवरेज लाइफ को डिफाइन किया, इसकी इक्वेशन ड्राइव की, फिर हमने जो है चेन डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट का टॉपिक ये हमने कंप्लीट किया। ठीक है बच्चे, और ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम और परमानेंट इक्विलिब्रियम को हमने डिटेल से किया, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मैं आपको अल्फा डीके के बारे में डिटेल से बताऊँगी। और बच्चे जब आप लेक्चर अटेंड कर लें, लेक्चर अटेंड करने के बाद अपनी अटेंडेंस मुझे दें और ये इसमें लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक्स।